तो बड़ी खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए निकल कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के लिए नए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर बन चुके हैं और चौथी बार उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पीएम मोदी की बराबरी की है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है और भावुक पल थे उनके लिए, कहा है साफ तौर पर सभी का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। पहले उन्हें सभी सहमति से यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद राजभवन जाकर उन्होंने शपथ ग्रहण ले ली है। यानी अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। 23 मार्च लगभग रात के 9 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण ली है। क्या बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, आइए सुनते हैं। एक साधारण और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कई वर्षों से काम करता रहा हूं और सचमुच ये इसी पार्टी में होता है, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी साधारण कार्यकर्ता को एक बड़ा काम करने का अवसर दिया जाए। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के ऐसे नेता कि जिनके पीछे सारा हिंदुस्तान खड़ा है और कई मामलों में कोरोना संकट से निपटने में भी जिन्होंने दुनिया को दिशा दे दी, कल जनता कर्फ्यू अपने आप में एक अद्भुत प्रयास था। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य, जिन्होंने नया इतिहास रचा, अमित भाई साहल जी का आभार प्रकट करता हूं। और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, उनके सहित पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। मित्रों, में मंच पर बैठे हुए नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान विनय सहस्रबुद्धे जी, अभी सारी कार्रवाइयां जिन्होंने संचालित की है, और उनके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी के आदरणीय अरुण सिंह जी सहित पूरे सभी केंद्रीय नेतृत्व का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं।